कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही तेज है, लोग बचाव करें तभी सुरक्षित रह पाएंगे। सरकार कह रही है कि हमारे गाइडलाइंस को आप पालन करें, आपको पालन करना चाहिए। इस समय तमाम विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी दौड़ा भी नहीं कर रहे हैं कि जनता का हाल क्या है। हम हैं असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। सिसवां विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी आज पहुंचे सिसवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और मरीजों का हाल भी जाना। अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में वो अपने क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं, अस्पतालों पर पहुँच रहे हैं, मरीजों का हाल भी जान रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे इस कोरोना काल में वो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। विधायक जी, यूपी अब तक में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में आप अस्पतालों पे दौड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं सबसे पहले सिसवां की अपने महान जनता को सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और इस जो काल है, जो ये कोरोना काल आया है, इसमें हमारी जनता बहुत दुखित है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रही है। फिर भी हम लोगों का जो दायित्व है, जो जनता ने हमारे कंधों पर एक लंबा विजय दिला करके अधिकार सौंपा है, उसके लिए मैं जन जन तक चल रहा हूँ, अस्पतालों पर जा रहा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ, आप लोग सावधान रहिए, मास्क लगाइए और बिना मास्क के कहीं मत निकलिए। जो हमारी सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलिए। दुकानों को खुलने के लिए बंद होने का समय है, दुकानदार भाई उसी समय में पालन करें। और जो सरकार की दिक्कतें हैं, वो काफ़ी सरकार हमारी परेशान हो रही है कि जो कोरोना काल का जो गाइडलाइन है उसको तोड़ा जा रहा है। मैं अपने महान जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि वो लोग इसको गंभीरता से लें। मैं सिसवां बाज़ार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ, आज मैंने यहाँ निरीक्षण किया, व्यवस्थाएँ ठीक हैं, जो हमारे मरीज हैं उनके लिए ठीक है। मैं जो हमारी सरकार की व्यवस्था है, जो हमारे कोरोना काल की जो टीकाकरण है, इसको जरूर कराएं, दो टीका लगवाएं, इस पर कहीं वो अन्यथा न सोचें कि क्या होगा, कुछ नहीं होना है, अगर टीका लगवाते हैं तो बहुत सुरक्षित है। मैं भी टीका दो लगवाया हूँ, सिसवां बाज़ार में ही लगवाया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो आपके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप भी सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप हर जगह पढ़ते रहते हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। और कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी दवा सावधानी है, उसका पालन करिए। और हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारी जो है मिडवाइफ, जो भी ग्रामीण स्तर तक जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की एक लंबा विस्तार है, उसका सहयोग करिए, सहयोग लीजिए। और जब भी बुखार हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा प्रारंभ करिए। उसमें देरी किसी भी बात के लिए मत सोचिए कि नहीं आज नहीं कल, हो कोरोना एक ऐसी बीमारी है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, जो इसको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मैं अपने इस सिसवां के बाज़ार में जनता से, लोगों से, मजदूरों से, नौजवानों से, व्यापारी भाइयों से, सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध कर रहे हैं, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी बना कर रहें, और जो नियम हमारी सरकार ने निर्धारित किया उसका कड़ाई से पालन करें, उसमें इधर उधर न भागें दौड़ें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आए दिन हमें पुलिस फोर्स में फ़ोन करना पड़ रहा, उठा लिए गए, दुकानदार बंद हो जा रहे हैं, शटर उठा करके लोगों को अंदर करके भीड़ लगा करके सामान दे रहे हैं, गलती न करें, क्योंकि सबके घर शादी विवाह पड़ी है, बात सही है, लेकिन हमें सावधानी से रहना होगा, हमें अपना काम करना होगा, और हम काम भी नहीं रोकना है, और हमें सरकार के नियम का जो है पालन भी करना है, नियम नहीं तोड़ना है। ये मेरा आज का सुझाव और अपील है जनता से, हम क्रमबद्ध लोगों से अपील कर रहे हैं, गरीबों से, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं। ये जो महामारी है, ये किसी को पहचानती नहीं है, नए पुराने लोगों को नहीं पहचानेगी, उम्र नहीं पहचान रही, अब यूथ में आई है और यहाँ बहुत विकट समस्या पैदा हो रही है। हम सिर्फ सावधानी बरत लें तो इससे हम लड़ लेंगे, इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। 18 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनका टीकाकरण नहीं हो रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि 18 के ऊपर हम टीका लगवा रहे हैं। इस संबंध में मुझे ये कहना है, जो अपना जनपद है, अभी 18 वर्ष के लोगों को टीकाकरण करने के लिए सरकार ने जो जनपद चयन किया, उसमें महाराजगंज अभी नहीं है, दूसरे फेज में है,
लेकिन जो 45 साल की उम्र है उसके लिए टीका उपलब्ध है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के टीका लगवाएं और दो टीका जरूर लगवाएं। जो 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा टीका का व्यवस्था और प्राविधान हो जाएगा, हम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अक्सर दौरा करते हैं और लगना शुरू हो जाएगा। लोगों को बता दिया जाएगा, मैं भी बता दूंगा, आदरणीय डॉक्टर लोग बता देंगे, सब स्टाफ बता देंगे, मीडिया के साथी बताएंगे, महाराजगंज जिला 18 वर्ष के उसमें चयनित है, आप लोग लगवाने का कष्ट करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें, होगा, यहाँ भी होगा, ये जिला दूसरे फेज में है। अभी आपने कहा कि लोग परेशान हैं, शटर उठाने के बाद उस सामान बेच रहे हैं, उनके सामने कुछ मजबूरियाँ हैं, पेट भी चलाना है, आप पैसा आ नहीं रहा है, करें क्या? वो नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ सहयोग करे आपकी गवर्नमेंट, इसके लिए सरकार हमारी एक प्लान बना रही है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करने जा रही है। और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हर गांव में कैंप लग करके उसकी कोरोना की चेकिंग प्रारंभ होने जा रही है, और हमारी सरकार ने ये आदेश किया है, हम गाँव तक अंतिम व्यक्ति तक चलेंगे ताकि कोरोना को हराने का यही तरीका, हम सावधान रहें। जहाँ तक ये सत्र जो है लगन और शादी विवाह का होता है जी जी। और हमारे भी बेटे की अभी 24 अप्रैल को शादी थी, बहुत धैर्यपूर्वक कम से कम उपस्थिति को लेकर के हमने शादी किया है, और लोगों से अपील किया है, अपने कार्यकर्ता भाई से, अपने साथियों से, कि हम जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा भोज देंगे, तब तक इंतजार करिए, क्योंकि इस भीड़ में आप भी सुरक्षित रहिए, हमको भी सुरक्षित रहने के लिए एक मार्ग प्रदर्शित करने की जरूरत है। जहाँ तक शादियों, गरीब लोगों में भी शादियाँ तय हैं, वो सावधानी से अपना काम करना है, वो निर्धारित है, सुबह 11 बजे तक दुकान खुलेगी, फिर 5 बजे से खुलेगी, उस दौरान वो लोग अपनी मार्केट कर लें, थोड़ा धैर्य से, थोड़ी दिक्कतों से सामना कर लें, ताकि हम इस बीमारी से बचें और वंचित रहें। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इसकी सावधानी ही एकमात्र दुनिया में दवा है, और उसका एकमात्र दवा मास्क है, उसको कभी न छोड़ें, किसी कीमत पर न छोड़ें, कुछ भी भूल जाइए, मास्क मत भूलिए, मेरी अपील है सिसवा की महान जनता से। विधायक जी दौड़ा करने आए थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, हमने इनसे बात भी किया कोरोना के संदर्भ में। आप देखते रहिए यूपी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें।